उत्तराखंड में आज आईएएस वंशधर तिवारी को उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें 2020 बैच के आईएएस महानिदेशक शिक्षा एमडी जीएमवीएल निदेशक पंचायती राज की भी उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। वंशीधर तिवारी इससे पूर्व भी बतौर ओएसडी सूचना विभाग में पूर्व में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन से राजस्व का कार्यभार वापस लिया गया है। वहीं शैलेश बगवाली से सचिव कृषि और कृषक विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है। आईएएस बीवीआरसी पुरुषोत्तम को सचिव कृषि और कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस सचिन कुर्वे को राजस्व विभाग का सचिव बनाया गया है। तो वहीं उनसे खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के आयुक्त की जिम्मेदारी वापस ली गई है। उत्तराखंड में आज आईएएस वंशीधर तिवारी को उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरल स्वभाव के धनी वंशीधर तिवारी इसके पूर्व भी बतौर ओएसडी सूचना विभाग में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बता दें पिछले दिनों मंगलवार 30 अगस्त को उत्तराखंड शासन ने 23 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए थे, जिसमें आईएएस अधिकारी वंशीधर तिवारी को महानिदेशक सूचना की जिम्मेदारी सौंपी गई। आईएएस अधिकारी वंशीधर तिवारी महानिदेशक सूचना की जिम्मेदारी के साथ ही पूर्व से ही मौजूद अधिकारियों को भी यथावत संभालेंगे। इस वक्त वे महानिदेशक विद्या शिक्षा के साथ ही प्रबंध निदेशक जीएमवीएन और निदेशक पंचायती राज की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। साथ ही नया पदभार ग्रहण करने पर उत्तराखंड के एमकेएन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर अवनीश जैन ने वंशीधर तिवारी को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बताते हुए चलें कि वर्तमान में उत्तराखंड शासन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। शासन ने 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तबादले की सूची में 13 आईएएस और 10 पीसीएस अधिकारी शामिल हैं।